तो स्टूडेंट्स अभी हम लोग चैप्टर को बढ़ा रहे हैं आगे. वी हैड कंप्लीटेड द मेडिसिनल फील्ड, नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है, तो हाउ बायोटेक्नोलॉजी इज गोइंग टू हेल्प इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर, वो अभी बात करेंगे. तो यहाँ पे पहला टॉपिक पे आता है हमारा बीटी कॉटन. ओके, अब ये बीटी कॉटन जो है ये न्यू वेरायटी है. ये किसने डेवलप की है? बायोटेक्नोलॉजी वाले ने डेवलप की है. ये क्यों डेवलप करने की ज़रूरत पड़ेगी वो बात समझ लो. तो एक होता है कॉटन प्लांट, ओके, इसको हम लोग गॉसिपियम कहते हैं, है ना. जीनस क्या है? गॉसिपियम. नाउ ये जो प्लांट है ये, इसके ऊपर फीड कौन होता है? फीडेड बाय कैटरपिलर. इसके कारण क्या हो रहा है? इसका जो यील्ड प्रोडक्शन है वो खराब हो रहा है. यील्ड प्रोडक्शन इज गेटिंग डिस्टर्ब. ओके, क्योंकि कैटरपिलर की वजह से जो यील्ड प्रोडक्शन हो रहा है वो खराब हो रहा है. ठीक है, अब क्या करना है? अब बायोटेक्नोलॉजी वाला बंदा बोल रहा है कि नहीं बाबा, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग बचा सकते हैं गॉसिपियम प्लांट को. कैसे? हमको मारना पड़ेगा इस कैटरपिलर को, ठीक है, ताकि ये इसके ऊपर ना अटैक कर सकें और तब जाके ये कॉटन प्लांट अच्छा यील्ड प्रोड्यूस कर सकें. ठीक है, तो ये बीटी वर्ड क्यों आया उसको ध्यान में रखते हैं. तो बीटी स्टैंड फॉर द एक्चुअली बैक्टीरिया. ये क्या है? ये बैक्टीरिया है. ओके, नॉट बी फॉर बैक्टीरिया. बी फॉर बैक्टीरिया नहीं है. ये बैक्टीरिया होता है जिसका पूरा नाम होता है बैसिलस थुरिनजेनेसिस. ओके, बैसिलस थुरिनजेनेसिस. ओके, सो बैसिलस थुरिनजेनेसिस ये नाम है इसका. एंड दिस फेलो प्रोड्यूस अ क्रिस्टल प्रोटीन. ये बंदा क्या बनाता है? ये क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है. ओके, बिकॉज इट हैज अ जीन कॉल्ड एस क्राई जीन. कौन सी जीन है इसके पास? क्राई नाम की जीन है जो कि क्रिस्टल प्रोटीन बनाने में मदद करती है. ओके, और ये क्रिस्टल प्रोटीन का मतलब क्या है? ये जो क्रिस्टल प्रोटीन है अगर अल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में आ जाता है तो ये पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा. किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पॉइजन में कन्वर्ट हो जाएगा. सो लेट्स मी राइट दिस ओवर हियर नोट. इफ दिस क्रिस्टल प्रोटीन कम्स इन कॉन्टैक्ट विथ अल्कलाइन पीएच टर्न्स इंटू टॉक्सिक मटेरियल. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट नोट टू अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस. क्या बोल रहा हूँ मैं, फिर से ध्यान दो. एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थुरिनजेनेसिस. ओके, दिस फेलो विल प्रोड्यूस अ क्रिस्टल प्रोटीन. और कैसे बनाएगा? इसके पास क्राइजीन होता है. क्राइजीन विल अंडरगो ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन टू प्रोड्यूस दिस प्रोटीन कॉल्ड इज अ क्रिस्टल प्रोटीन. ओके, अब ये क्रिस्टल प्रोटीन जो है ये अल्कलाइन पीएच के कांटेक्ट में अगर आ जाता है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टॉक्सिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये बैक्टीरिया का डिफेंस मैकेनिज्म है. अभी हमको क्या करना है एज अ बायोटेक्नोलॉजी, आपको ऑलरेडी आइडिया आ गया होगा. ये क्राइजिन को आइसोलेट करेंगे, इसको हम लोग प्लांट में दे देंगे. सो नाउ प्लांट कैन सिंथेसाइज दिस काइंड ऑफ प्रोटीन्स. बात समझ में आ रही है? अगर प्लांट को अपडेट कर दोगे तो इसका नाम हो जाएगा बीटी कॉटन. समझ में आ रही है बात? तो क्या हो गया? इन शॉर्ट, प्लांट गेट मॉडिफाइड, इसलिए उसका नाम आ गया बीटी कॉटन. अब ये जब बीटी कॉटन वाला प्लांट जो है इसका जो पीएच होता है वो अल्कलाइन नहीं होता. ओके, प्लांट पीएच नेवर बिकम अल्कलाइन. तो ये जो टॉक्सिक प्रोटीन जो सिक्रेट होता है ये प्लांट के लिए तो लाइक नॉन टॉक्सिक है ना, तो प्लांट के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? मतलब हमारा प्लांट भी बच रहा है और साथ में जो लार्वा रहेगा जो इस प्रोटीन के ऊपर फीड किया जाएगा, डैट लार्वा विल गेट डिस्टर्ब और उसकी जो एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो लार्वा मर जाएगा और ऐसे करके हमारा कॉटन प्लांट जो है ये सर्वाइव कर जाएगा. ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं कैसे होगा. सो नाउ आइसोलेट दिस बीटी जीन. ठीक है, दैट इज नथिंग बट योर क्राई जीन, यानी क्रिस्टल जीन, क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाला जीन. ओके, आइसोलेट करने के बाद क्या करेंगे हम लोग? सी लेट्स राइट दिस ऑल्सो ओवर हियर. बीटी जीन शुड बी इंट्रोड्यूस इन प्लांट. ओके, नाउ
प्लांट विल फॉर्म क्रिस्टल प्रोटीन. ओके नोट प्लांट पीएच इज नॉट एन अल्कलाइन पीएच. ओके देयरफॉर नो हार्डनेस टू प्लांट. ठीक है सो इट इज गुड फॉर द प्लांट. ओके सो नाउ व्हाट विल हैपन. सो नाउ व्हेनेवर द लार्वा ऑफ कैटरपिलर विल फीड ऑन दिस यू कैन से क्रिस्टल प्रोटीन और क्राई प्रोटीन. ओके तो यहां पे फुल स्टॉप कर देते हैं. दिस प्रोटीन विल रीच टू द गट ऑफ द कैटरपिलर. ओके लार्वा ऑफ कैटरपिलर. ठीक है अब ये तो आपको समझ में आ गया कि गट तक आ चुका है चीज. अभी क्या होता है. सो इन गट देर इज एन अल्कलाइन पीएच. ठीक है क्रिस्टल प्रोटीन विल गेट कन्वर्टेड इंटू पॉइजन. इट विल क्रिएट अ पोर्स और यू कैन से परपोरेशंस ऑन द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द गट. ठीक है ये आपको ध्यान में रखना है. एंड लार्वा विल गेट किल्ड. ठीक है तो ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे खत्म हो जाता है. क्या समझ में आया आप लोगों को. क्रिस्टल प्रोटीन बनाने वाली जीन को आइसोलेट करो उसको प्लांट को दे दो. ओके प्लांट क्या करेगा क्रिस्टल प्रोटीन बनाने की एबिलिटी डेवलप कर चुका है. अब ये प्रोटीन जब भी प्लांट के पीएच की बात करें तो प्लांट का पीएच जो है वो अल्कलाइन नहीं होता इसके कारण इट इज़ नॉट गोइंग टू हार्म टू द प्लांट. लेकिन वेन एवर दिस प्रोटीन विल गेट फीडेड टू द कैटरपिलर लार्वा क्या हो जाएगा वो प्रोटीन विल एंटर इन टू द गट और गट में क्या हो जाएगा अल्कलाइन पीएच मिलने के कारण वो टर्न हो जाएगा पॉइजन में जिसके वजह से देर विल बी अ परफोरेशन ऑन द एपिथीलियल सेल्स ऑफ द गट एंड द लार्वा विल गेट किल्ड. और ऐसे करके प्लांट्स विल बी गेटिंग अपडेशन और उसकी को हम लोग बोलेंगे लाइक बीटी कॉटन प्लांट. ओके इसी तरीके से बहुत सारी बीटी की वेराइटी डेवलप की है जैसे कि बीटी टोमेटो है बीटी टोबैको है. ओके अदर एग्जाम्पल्स यू कैन से क्या क्या है. बीटी कॉटन तो है ही आपके सामने. ओके बीटी टोबैको बीटी ब्रिंजॉल इसके अलावा आपके सामने है बीटी सोयाबीन. देर आर मेनी प्लांट्स. ओके एटलीस्ट ये आप लोगों को कंपलसरी ध्यान में रखना है. ओके एटलीस्ट कीप दिस मेनी एग्जाम्पल्स इन योर माइंड. तो अभी नेक्स्ट टॉपिक को लेके बात करते हैं. ठीक है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल गोल्डन राइस. एक और तरीका है जिसको समझना आसान है इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर वो है गोल्डन राइस. गोल्डन राइस का मतलब क्या है ये क्यों आया क्योंकि डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए के कारण है. जिन बंदों को डेफिशिएंसी होती है विटामिन ए की उनके लिए ये गोल्डन राइस लाइक अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है अपना विटामिन ए इंक्रीज करने के लिए. कैसे ये जो होता है ना बीटा कैरोटीन चेन. ओके जो कि हमको क्या करना रहता है इसको हम लोग को इंट्रोड्यूस करना रहता है इन राइस प्लांट. किसमें इंट्रोड्यूस कर दोगे राइस प्लांट में. और ये जो बीटा कैरोटीन जीन है ये येलो कलर में होता है येलो कलर प्रोड्यूस करता है. ठीक है तो राइस का कलर क्या हो जाएगा येलो कलर हो जाएगा. दैट मीन्स व्हाट इज प्रेजेंट इन द राइस नाउ अ बीटा कैरोटीन. अंडरस्टूड. अब ये बीटा कैरोटीन अगर आप राइस में डाल दोगे जीन ठीक है तो वो क्या करने लगेगा विटामिन ए का प्रोडक्शन इंक्रीज कर देगा. ओके राइस विल बी रिच इन विटामिन ए एंड द राइस कलर विल बी येलो कलर. समझ में आ गया.
सो दैट इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन मेक द डिफरेंस बिटवीन द व्हाइट राइस एंड द येलो राइस. क्योंकि येलो राइस जो होते हैं वो थोड़े बहुत कॉस्टली भी होते हैं क्योंकि उनमें विटामिन ए होता है. समझ में आई बात? जिन बंदों को विटामिन ए की डिफिशियंसी रहती है उनके लिए खास डेवलप किया है. ओके तो यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं बीटा कैरोटीन जीन के लिए, तो आप लोगों को ये इतना ध्यान रखना है, कंपल्सरी है. ओके बीटा कैरोटीन जीन, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर. सो नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द न्यू टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज आरएनए इंटरफेरेंस. ठीक है, अभी आरएनए इंटरफेरेंस होता क्या है अभी इसको समझ लेते हैं. सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या चीजें आएगी. एक होता है निमेटोड, जिसका साइंटिफिक टर्म होता है, नाम होता है मेलेडोग्नी इनकॉग्निशिया. ठीक है, मेलेडोग्नी इनकॉग्निशिया उसका नाम होता है. यही वो बंदा है जो कि इम्पॉर्टेंट है इस पूरे आरएनए इंटरफेरेंस टॉपिक को समझने के लिए. ठीक है, ये जो बंदे हैं इनकी खास बात होती है कि इनके पास एक डिफेंस मैकेनिज्म होता है. क्या होता है? डिफेंस मैकेनिज्म होता है इनके पास. वो डिफेंस मैकेनिज्म क्या है इनका, कि दे कैन प्रोड्यूस ए DsRNA, यानी व्हाट? डबल स्टैंडर्ड आरएनए. ठीक है, क्या कर सकता है ये बंदा? डबल स्टैंडर्ड आरएनए बना सकता है. ये ही नहीं बना सकता है, बल्कि ऑल यूकैरियोट्स बना सकते हैं. ऑल यूकैरियोट्स कैन प्रोड्यूस दिस डबल स्टैंडर्ड आरएनए. ये तो आपके लिए एक सिंपल सा नोट हो गया. ठीक है, दूसरी बात क्या होती है, इसके पास एक खास सिस्टम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ प्रोटीन चाहिए होता है इसको. क्या चाहिए होता है? ग्रोथ प्रोटीन. नाउ सी, अभी निमेटोड है, निमेटोड बंदा क्या करेगा, इसके पास मान लो ये ऐसा डीएनए है, एक जस्ट रैंडम बता रहा हूँ आप लोगों को. ठीक है, इसे आप लोगों को समझ में आ जाएगा. क्या करेंगे हम लोग, इसको डिवाइड कर लेते हैं टू पार्ट्स में. मान लो इतना सीक्वेंस में ए लिख देता हूँ, स्मॉल ए, और इतने सीक्वेंस को हम लोग क्या लिख देते हैं, बी लिख देते हैं. ठीक है, ऐसे लिख देता हूँ, ये आपके समझने के लिए, बाकी ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. देखो ये क्या होता है, ये बना के देगा मुझे डी एस आर एन ए, डबल स्टैंडर्ड आर एन ए, इतना सीक्वेंस, और ये जो सीक्वेंस है ये मुझे क्या बना के देगा, ग्रोथ प्रोटीन. अभी समझ में आया बात आपको? अगर मुझे, मतलब निमेटोड को अगर प्रोटीन की ज़रूरत है, ग्रोथ करने की ज़रूरत है, तो इतना जो सीक्वेंस है, मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ 3-5, और यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 5-3. ठीक है, ऐसे लिख देते हैं. तो ये 3-5 वाला जो सीक्वेंस है, इतना मुझे डबल स्टैंड आरएनए बना के देगा जब इसको डिफेंस मैकेनिज्म की ज़रूरत पड़ेगी. किसको? निमेटोड को, तभी उसका डिफेंस मैकेनिज्म काम करेगा. लेकिन मान लो उसको ग्रोथ करना है, तो ग्रोथ करने के लिए ग्रोथ प्रोटीन चाहिए, तो ग्रोथ प्रोटीन करने के लिए यहाँ से यहाँ तक का सीक्वेंस रीड किया जाएगा, उसी की वजह से ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन पॉसिबल है, और तभी जाके ग्रोथ प्रोटीन बनेगा. बाकी प्रोटीन बनता कैसे ये तो आपको क्लियर है एकदम से. ठीक है, तो ये जो सीक्वेंस है ये ग्रोथ प्रोटीन बनाएगा, ग्रोथ प्रोटीन बनाने से ही निमेटोड ग्रो करेगा. ये सिंपल सा लॉजिक आप लोग दिमाग में रखो. ठीक है, अब क्या ये टॉपिक है आरएनए इंटरफेरेंस, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ये आपको समझना ज़रूरी है. क्योंकि सी निमेटोड दे फीड ऑन, ऐसे लिख देते, दे फीड ऑन यू कैन से रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. किस पे फीड होते हैं वो? रूट्स ऑफ टोबैको प्लांट. टोबैको प्लांट के रूट्स में अंदर चले जाते हैं, वहाँ से खाना पानी ले लेते हैं, और फिर उसी के अंदर ग्रो कर जाते हैं, और ऐसे करके पूरे टोबैको प्लांट पे इफेक्ट कर लेते हैं. ओके, जिसके वजह से टोबैको प्लांट की जो भी यील्ड होती है वो रिड्यूस हो जाती है. तो हमको इसको बचाना पड़ेगा टोबैको प्लांट के लिए. तो अब मुझे बताओ, अगर इस प्लांट को बचाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो सिंपल सी बात है, मेरे पास दो खास बात है, एक है मेरे पास इसका डिफेंस मैकेनिज्म, और एक है मेरे पास ग्रोथ प्रोटीन. तो ऐसी क्या चीज़ है जो मैं प्लांट को दे सकता हूँ, जिसके वजह से प्लांट खुद की बचाव कर सकता है, खुद का बचाव कर सकता है? ठीक है, तो मैं एक ऐसे जीन को लूँगा जहाँ पे उसका डिफेंस मैकेनिज्म है. तो ये डिफेंस मैकेनिज्म मैं क्या करूँगा, प्लांट को दे देता हूँ. ठीक है, तो मान लो आइसोलेट अ जीन रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग अ डी एस आर एन ए. समझ में आया? आइसोलेट अ जीन विच इज प्रोड्यूसिंग अ डी एस आर एन ए. ओके,
दिस जीन विल बी ट्रांसफर्ड टू द प्लांट. ओके नाउ प्लांट गॉट अपडेटेड, सो प्लांट गेट मॉडिफाइड. व्हाट हैपेंस टू द प्लांट? प्लांट गॉट मॉडिफाइड. ओके नाउ सिंपल सी बात है. नाउ सी व्हेन नाउ नेमेटोड एंटर्स इन रूट्स ऑफ सच मॉडिफाइड प्लांट एंड ट्राई टू टेक नरिशमेंट. ओके ट्राई टू टेक नरिशमेंट. इसके वजह से क्या हो जाता है? खाना पीना वगैरह हो गया. ओके ट्राई टू टेक नरिशमेंट फ्रॉम द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट एंड नाउ विल अंडरगो फॉर mRNA प्रोडक्शन. व्हाट इज दैट mRNA प्रोडक्शन कॉल्ड एज? ट्रांसक्रिप्शन. नाउ विल अंडरगो द mRNA प्रोडक्शन. ओके दैट इज अ ट्रांसक्रिप्शन. एज सून एज द mRNA फॉर्मेशन टेक्स प्लेस द mRNA फॉर्म्स द डबल स्टैंडर्ड dsRNA ऑफ प्लांट विल गो एंड बाइंड टू इट. ओके एंड mRNA will not be translated. समझ में आया? If mRNA is not getting translated, no growth protein. Okay? If no growth protein, तो बात खत्म. Nematode का growth नहीं होगा and they will die. इसके वजह से क्या हो जाएगा? Plant बच जाएगा. ठीक है? बहुत easy है समझने के लिए. देखो क्या होता है. ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है ना डबल स्टैंडर्ड RNA, जो कि ऐसे बना देते हैं हम लोग. ठीक है डबल स्टैंडर्ड RNA बना देते हैं 3-5-5-3. ठीक है ये जो डबल स्ट्रैंड RNA इट इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट्री टू द टू mRNA. ठीक है दूसरों के mRNA के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है. तो जैसे mRNA फॉर्म हो जाता है तो ये उसके ऊपर जाके बंद हो जाता है. मतलब मान लो ये जो प्लांट है. ओके प्लांट का जो डबल स्टैंडर्ड ये जो mRNA है वो नहीं प्लांट का नहीं सॉरी नेमेटोड का जो mRNA है दैट इज लाइक एक्टिंग लाइक अ यू कैन से फॉरेन पार्टिकल. नाउ जैसे ही नेमेटोड ने सिंगल स्टैंडर्ड mRNA बनाया. ओके mRNA बनाया. ठीक है इट विल व्हाट विल हैपन दैट इज दिस डबल स्टैंड RNA दिस dsRNA ऑफ प्लांट विल बाइंड टू दिस. तो क्या हो जाएगा? मान लो ऐसे हो जाएगा कुछ. ये सिंगल स्टैंड mRNA इसके ऊपर इस तरीके से जाके बैठ जाएगा कि उसके जो इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होते हैं वो रीड नहीं किए जाएंगे. ओके क्या हो जाएंगे? रीड नहीं हो पाएंगे एंड नॉट बी ट्रांसलेटेड. ऐसे मानना है दिस सिंगल स्टैंडर्ड विल गेटिंग बाइंड विद द हेल्प ऑफ दिस डबल स्टैंडर्ड RNA इन सच अ वे दैट दिस mRNA सीक्वेंस और इनिशिएशन सीक्वेंस विल नॉट बी गेटिंग रीडेड बाय द अदर लाइक RRNA और यू कैन से tRNA. उनके वजह से ही तो ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है. वो प्रोसीजर नहीं होगी. सो नो ग्रोथ प्रोटीन. सो नो ग्रोथ प्रोटीन. इफ नो ग्रोथ प्रोटीन nematode विल गो इनटू डाई. ओके दैट इज द केस ओवर हियर. अंडरस्टूड? सो RNA इंटरफेरेंस क्यों दिया? क्योंकि ये जो RNA है वो इंटरफियर कर रहा है. ओके दैट इज एक्टिंग लाइक अ डिफेंस मैकेनिज्म. देयरफॉर दैट टर्म हैज बीन गेटिंग. ओके ये टॉपिक आपको मिला यहाँ पे. समझ में आई बात? तो इस तरीके से हम लोगों ने टोबैको प्लांट को बचा लिया. ओके नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फ्लेवर सेवर टोमेटो. ओके फ्लेवर सेवर टोमेटो. अभी इसको समझते हैं. ये डिस्कवर किया था बाय मैकग्रेगोर इस बंदे ने. मान लो ये हम लोग बनाते हैं यहाँ पे टोमेटो. ओके क्या बनाते हैं? टोमेटो बना लेते हैं. ठीक है दिस इज टोमेटो. टोमेटो के स्किन के ऊपर स्किन हैज अ पेक्टिन. स्किन हैज अ पेक्टिन प्रेजेंट ऑन इट. नाउ
टू डाइजेस्ट दिस पेक्टिन वी रिक्वायर एन एंजाइम, वी रिक्वायर एन एंजाइम जिसका नाम है पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंजाइम है पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस। ये एंजाइम जब इस पेक्टिन को डाइजेस्ट करेगा तभी जाके ये टोमेटो क्या हो जाएगा, पक जाएगा। इट विल स्टार्ट लाइक यू कैन से राइपन। ओके, हाउ इट विल बी राइपन, व्हेन इट इज पेक्टिन इज गेटिंग डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम कॉल्ड एज पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस। ये टोमेटो में ही होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे अभी हम लोग, अगर मान लो टोमेटो अगर जल्दी जल्दी राइपन होने लगे तो फिर दिक्कत आ जाएगा ना, नो वन इज गोइंग टू बाय सच राइपन टोमेटो। सब इनिशियली लोग अगर क्या करते हैं, थोड़ा सा कच्चा टमाटर लेके रखते हैं ताकि वो जल्दी धीरे धीरे पके और ज़्यादा दिन तक सर्वाइव कर सके। दैट इज़ व्हाट द प्रायोरिटी। तो अभी क्या करना है एज अ बायोटेक्नोलॉजिस्ट, क्या करेंगे हम लोग, एक जीन है, हम लोग टोमेटो प्लांट में से एक ऐसे जीन को निकालेंगे जिसका काम होता है ये पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस बनाने का। क्या बनाने का, पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस बनाने का जो प्रोसेस है उसको ध्यान में रखेंगे। तो सी, आइसोलेट अ जीन विच प्रोड्यूस दिस एंजाइम, ओके, दैट इज पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस। ये एंजाइम बनाने वाले जीन को आइसोलेट करो। ठीक है, ऑप्टेन करेंगे इसमें से mRNA, ऑप्टेन mRNA फ्रॉम दिस। जैसे ही मेरे को mRNA मिलेगा विल ट्रीट दिस विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम। ओके, नाउ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम की वजह से मुझे क्या मिलेगा, cDNA मिलेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस की वजह से मुझे क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट्री DNA मिलेगा। ठीक है, दिस कॉम्प्लीमेंट्री DNA is complementary to mRNA। सही बात है कि नहीं, mRNA का ही अपोजिट क्या कर दिया मैंने, cDNA ऑप्टेन कर लिया। ओके, सो नाउ whenever the plant of tomato will produce this, okay, will produce this mRNA, the cDNA will get bind to mRNA, okay। देखो क्या लिखा, the plant of tomato will produce this mRNA, दस कॉम्प्लीमेंट्री DNA और cDNA विल गेट बाइंड टू द mRNA। अब जैसे mRNA के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से mRNA का ट्रांसलेशन रुक जाएगा। ओके, सी mRNA ट्रांसलेशन विल बी इनिबिटेड, ट्रांसलेशन विल बी डिलेड। ओके, ऐसे मान लेते हैं, क्या हो जाएगा, विल बी डिलेड, जिसके वजह से नो राइपनिंग प्रोसेस विल बी स्टार्टिंग। बिकॉज इफ नो mRNA इज गेटिंग रीडेड, हाउ दिस प्रोटीन दैट इज एन एंजाइम पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस विल बी प्रोड्यूस। अगर ये नहीं बनेगा तो राइपनिंग प्रोसेस कैसे होगा, समझ में आ रही है। पेक्टिन को डाइजेस्ट कौन करेगा, देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। फ्लेवर सेवर टोमेटो मैक ग्रेगोर ने डिस्कवर किया था। नॉर्मल जो टोमेटो होता है उसके स्किन पे पेक्टिन होता है, पेक्टिन को टोमेटो के एंजाइम्स जो होते हैं पॉलीगैलेक्ट यूरोनेस वो उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे ही बाहर का सेल वॉल डाइजेस्ट होना चालू हो जाएगा, टोमेटर पकना चालू हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे जीन को जो कि ये एंजाइम बनाता है। तो इस एंजाइम को बनाने वाली जो जीन है उससे हम लोग क्या करेंगे, mRNA बना लेंगे। जीन इज नथिंग बट अ सीक्वेंस। ओके, वो सीक्वेंस का ट्रांसक्रिप्शन होगा, मुझे mRNA मिलेगा। जैसे ही mRNA मिला मैं क्या करूँगा, उसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम जो है ना उसके साथ ट्रीट करूँगा और मुझे क्या मिलेगा, cDNA मिलेगा। ये cDNA मैंने mRNA के अपोजिट में बनाया, समझ में आ रहा है, मीन्स इट इज़ अ कॉम्प्लीमेंट्री टू द mRNA। अब ये जो cDNA है वो मैं प्लांट में डालूंगा। ओके, ये जो सीक्वेंस है वो मैं प्लांट को दे दूंगा। तो जब भी प्लांट लाइक mRNA बनाने की कोशिश करेगा, ट्रांसक्रिप्शन करने की कोशिश करेगा, टमाटर को पकाने की कोशिश करने के लिए वो एंजाइम जो बनाने की कोशिश करेगा, तो उसको mRNA बनाना पड़ेगा।
mRNA जब भी बनेगा, ये सी डी एन ए विल बी गेटिंग सी दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से बाइंड हो जाएंगे एक दूसरे से, और जो राइपनिंग प्रोसेस है वो डिले हो जाएगा। ये हर बार नहीं होते रहेगा, लेकिन हाँ कि एक जो राइपनिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा डिले हो जाएगा, मतलब ज़्यादा दिन तक टमाटर जो है वो सर्वाइव कर सकते हैं अच्छी तरीके से। समझ में आई बात? ये इसलिए करना ज़रूरी है क्योंकि जब भी ट्रांसपोर्टेशन की बात आती है तो जो वैरायटीज़ ऑफ फूड है उनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह पे मार्केट में मार्केटाइज किया जाता है, तो तभी टमाटर की जो क्वालिटी है वो ख़राब ना हो, इसलिए ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट वाले टॉपिक के साथ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, दैट इज़ अ हिरुडीन। क्या है हिरुडीन वाला एक प्रोसेस है। हिरुडीन क्या है? इट इज़ एन एंटी कोआगुलेंट। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एंटी कोआगुलेंट सब्सटेंस है, हमारे ब्लड को कोआगुलेट होने से रोकता है। ठीक है, ऑब्टेंड फ्रॉम सलाइवा ऑफ लीच। ठीक है, लीच के सलाइवा में से मिलता है। सो मैं क्या करूंगा, आई विल आइसोलेट अ जीन, आइसोलेट अ जीन फ्रॉम लीच, इंट्रोड्यूस इन ए प्लांट कॉल्ड ब्रैसिका नैपस। ओके, ये आपको नाम याद रखना बहुत ज़रूरी है, ब्रैसिका नैपस। इस प्लांट के हम लोग इस प्लांट में हम लोग इंट्रोड्यूस कर देंगे हिरुडीन बनाने वाला सीक्वेंस। ओके, अब मुझे बार बार लीच के पास जाने की ज़रूरत नहीं है हिरुडीन ऑप्टेन करने के लिए। जैसे ही ब्रैसिका नैपस में हम लोगों ने जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया, नाउ ब्रैसिका नैपस प्लांट इज गेटिंग अपडेटेड। ओके, तो हिरुडीन विल बी गेटिंग स्टोर्ड इन सीड्स ऑफ दिस प्लांट। ओके, तो प्लांट में से हम लोग इसको फिर से ऑप्टेन कर सकते हैं। समझ में आई बात? और इस तरीके से हम लोग उसमें से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हिरुडीन को। ओके, एंड दैट कैन बी यूज्ड एज ए एंटी कोआगुलेंट। आ रही है बात समझ में? लीच के पास प्रॉपर्टी होती है, उसके सलाइवा में हिरुडीन होता है, हिरुडीन का काम क्या है, एंटी कोआगुलेंट जैसे एक्ट करता है। अब ये जो प्रॉपर्टी है, मैं इसको, ये जो जीन है जो हिरुडीन बनाएगा वो मैं ब्रैसिका नैपस प्लांट में इंट्रोड्यूस कर दूंगा। क्यों ब्रैसिका नैपस? ऐसा ज़रूरी नहीं है, अदर प्लांट्स के ऊपर भी एक्टिविटी दिखाई थी लेकिन ब्रैसिका नैपस ने रिजल्ट अच्छा दिया, इसलिए ब्रैसिका नैपस में इंट्रोड्यूस कर दिया। ओके, और उसके बाद जो भी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन करने की ज़रूरत पड़ी तो वो होगी, और ये हिरुडीन जो बनेगा वो सीड्स में स्टोर किया जाएगा, और सीड्स में से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजीली। तो यहाँ पे सीड एक इम्पॉर्टेंट है, लीच का सलाइवा इम्पॉर्टेंट टर्म है, ओके, एंड द ब्रैसिका नैपस प्लांट बट ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट है। ओके, ये ऐसे करके आपको याद रखना है। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, डायरेक्टली फ्रॉम द एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन विल बी कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, बाकी का एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।